हेलो डिफेंस लवर्स, आप सभी का स्वागत है defensegyan.com पे। और आज हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर एक्स वाई ग्रुप, एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप इन 3 मंथ्स। अब मैं 3 मंथ का प्लान बता देता हूँ एक्स और वाई के लिए। जहाँ तक बात आती है एक्स का सिलेबस आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, फिजिक्स, जिसके आते हैं 25 क्वेश्चन। आफ्टर दैट मैथ्स है, इसके भी आते हैं 25 क्वेश्चन। मैथ्स तो चलो NDA लेवल तक की होती है तो लड़के क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो होते हैं एक्स ग्रुप वाले NDA की भी तैयारी कर रहे होते हैं या NDA वाले इस ग्रुप की भी तैयारी कर लेते हैं साथ। आफ्टर इंग्लिश आता है आपका, इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपका कितना 70 का हो गया, 70। अगला है आपका वाई ग्रुप। वाई ग्रुप की बात करते हैं जहाँ पर आपका इंग्लिश होगा और रागा होगा। रागा यानी रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश एंड रागा। इंग्लिश में आपके 20 क्वेश्चन और रागा में आपके 30 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया 50। जहाँ तक बात आती है स्कोर की, स्कोर हमेशा आपने यहाँ पे 40 के आसपास रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कभी तो 26 चले जाती है और कभी 36 भी चले जाती है, तो स्कोर एटलीस्ट की बात कर रहा हूँ मैं 40 से लेके 45 के बीच में अगर आप ये रख लेते हैं तो आपका फाइनल मेरिट का कोई टेंशन नहीं है। और वाई में भी सेम है, आपने 42 प्लस लाना है कंपल्सरी। अब उसके लिए क्या होगा, इंग्लिश में जोर, तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग जोन है, वट एवर, फिजिक्स मैथ्स या इंग्लिश। फिजिक्स हमेशा टफ मानी जाती है, तो फिजिक्स बस पास होने के लिए आप यहाँ पे 12 नंबर इधर ला सकते हैं, 15 नंबर इधर और 15 नंबर इधर। तो ये हो गया आपका 42 स्कोर इधर ही बन रहा है। यहाँ पे वही 15 नंबर आप जोड़ दो, यहाँ पे आप कितने 27 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, 42 आपके यहाँ पे भी हो जा रहे हैं। ये चीज़ वाई अगर आप देख रहे हैं तो आपने यहाँ पे 15 को 18 या 20 में कन्वर्ट करना सीखना होगा। ये चीज़ है, इसके लिए क्या है, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आपको मिलेगी। ये हर जगह यहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत आपको ऑल ओवर इंडिया मिलेगी, बट कहाँ पे ये देखो रिजल्ट कहाँ पर ज़रा अच्छा आ रहा है, रिजल्ट किस जगह का अच्छा है। प्रीवियसली जो भी नई नई स्टार्टेड होंगी ना, वहाँ पे क्या होगा, टीचर्स अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको, क्योंकि उन्होंने अपनी मार्केटिंग बढ़ा दी है, दैट्स द थिंग। वो ही चीज़ क्या, वहाँ पे आपको सराउंडिंग अवेलेबल होंगे, मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है, मॉक टेस्ट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मोस्ट कहते हैं क्रूशियल, आपका एकदम पॉइंट टू पॉइंट वाली बातें होती हैं। जो किस पे, मॉक टेस्ट होगा डेली, सॉल्व होगा, उसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे डेली 4 to 5 hours की क्लास, कभी 6 hours की एक्सटेंडेबल क्लासेज हो जाती हैं, वो चीज़ आपके लिए अच्छी है। ये 3 months का प्लान दैट विल बी बेनिफिशियल। यहाँ पे एक अकेडमी जिसका नाम है KD एजुकेशन, वो है अभी द्वारका सेक्टर 7 पे, नियर बाई रामफल चौक। आपको उसकी जो सारी डिटेल्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी हैं, लिंक सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब कुछ मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप जाइए, आपको सारी अवेलेबल मिल जाएंगी। सबसे मोस्ट चीज़ सराउंडिंग, प्रैक्टिस और हर एक एस्पेक्ट पे आपका काम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यार स्ट्रेंथ कम रहती है, 20 से 25 बच्चे रहते हैं, हर किसी पर ध्यान दिया जाएगा, नाम हर किसी का याद रहेगा। अब जहाँ 50-50, 60-60 लोग हैं, क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करो, शेयर करो और हर उस बंदे तक पहुँचाओ जिसको उसकी ज़रूरत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।